अंतिम रहता था, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए। उसके पश्चात तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो मांगो, क्या वर मांगते हो? प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वर मांगूंगा कि इस तीनों लोगों में ना कोई नर, ना कोई देव और ना ही कोई पशु मुझे परास्त कर सके, ना ही मेरा अंत कर सके। क्या बात है, अस्तु ऐसा ही होगा। तथा उनसे इसके उपचार के लिए प्रयास करने लगे। उसके पश्चात देवताओं ने ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के साथ मिलकर एक सुंदर देवी का निर्माण किया, जिसे आज सभी उसके पश्चात माँ दुर्गा ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चक्र, गदा, त्रिशूल, बाण इत्यादि का धारण कर महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर को जब यह खबर पता चली तो उसके मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, आओ मुझसे युद्ध करो। युद्ध के लिए तैयार हो। पैसे नहीं दो देवी जी, गुस्सा हो गई।
तुम्हें एक अवसर देती हूँ, धर्म की राह को छोड़कर धर्म पर आ जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझे अवसर देती हो अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का। हम असुर हैं, हमारा एक ही धर्म है अत्याचार फैलाना। प्रस्तुत हो जाओ लोक सुंदरी समान होने। माँ दुर्गा स्वयं आदिशक्ति का रूप थी और मैं अत्याचार का प्रतीक अत्याचार के राह पर चलता रहा। और माँ दुर्गा ने जो आदिशक्ति का रूप थी उसको परास्त कर दिया, उसका कर दिया वध कर दिया। महिषासुर के भांति जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मकता हम लोगों में फैली हुई है उसको दूर करती है। बोलो